खरगोन में सोमवार को कपास की फसल का खरीद का श्री गणेश हो चुका है, जहां पूर्व मंत्री बालकृष्ण पाटीदार, एसडीएम भास्कर गाचले और मंडी व्यापारी संघ अध्यक्ष मंजीत सिंह चावला की मौजूदगी में किसान गोपाल यादव की पहली बैलगाड़ी 7,400 पार रुपए में बिकी है। इस दौरान मंडी में 7,405 रुपए का भाव मिलने पर किसानों में काफी उत्साह है। बता दें, पिछले वर्ष 6,481 रुपए क्विंटल मुरहूत में कपास बिका था। वही किसानों को उम्मीद है कि इस बार प्रदेश की सबसे बड़ी कपास मंडी में नमी समाप्त हो जाने के बाद 10,000 रुपए क्विंटल तक का भाव मिलेगा। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा इस बार कपास का समर्थन मूल्य 7,500 रुपए किए जाने पर भी किसान खुश है। बता दें कि खरगोन प्रदेश का सबसे बड़ा कपास उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ सीमावर्ती बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर और धार जिले का कपास भी मंडी में पहुंचता है। सबसे पहले तो मैं कृषक बंधुओं को और व्यापारी बंधुओं को बधाई देता हूँ। खरगोन मंडी में आज नए कपास का शुभारंभ हुआ। मुहूर्त की गाड़ी 7,405 रुपए में बिकी है। बाद में जैसे भी वैरायटी बिक्रे माल आता है उस हिसाब से बिक रहा, 7,865 तक अच्छा कपास यहाँ नीलाम हुआ है। 590 के करीब, 690 के करीब है बैलगाड़ी और वाहन मिला के। मन्ना लाल जी, जायसवाल। आज शुभ मुहूर्त में कपास की खरीदी प्रारंभ की गई है। पहली गाड़ी 7,405 में बिकी है, मुहूर्त की गाड़ी है, पप्पू यादव जी की गाड़ी है। और दूसरा अभी जो नीलामी चल रही है वो कम से कम 600 वाहन मंडी प्रांगण में आ चुके हैं और आवक निरंतर बनी हुई है।
7885 भी बिकी है, हाईएस्ट गाड़ी अभी 2 बजे तक और रेट क्लियर हो जाएंगे। किस तरह की व्यवस्था की गई कि इस बार गाड़ियों की आवक भी ज्यादा है, किसानों का भी आने का वो है, तो मंडी प्रांगण में किस तरह की किसानों की व्यवस्था? मंडी प्रांगण में किसानों के लिए मूलभूत सारी सुविधाएं उपलब्ध हमने करा दी गई है। पिछले 1 हफ्ते से कंटिन्यू हम लोग उसमें लगे हुए हैं। किसानों के लिए खाने की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, साफ सफाई, पानी की व्यवस्था, सारी चीज़ अवेलेबल है। और गेट से ही, प्रवेश गेट से ही हम एक टोकन जारी कर रहे हैं हर वाहनों को कि गाड़ियां व्यवस्थित रूप से लग सके और उनका उचित समय पर नीलामी हो सके। क्या नाम? शर्मिला नीना, मंडी सचिव, खरगोन।